टेस्टी फूड विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाना बता रही हूँ। यह सब्जी आप घर पर बना कर खाइए, यह सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए हम बनाते हैं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी। जी, गैस पर एक पैन में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रखते हैं। उसमें ज़रा सी हींग डालेंगे, थोड़े से मेथी दाना ऐड करते हैं, दो चार तेज़पत्ता ऐड करेंगे, फिर अदरक और मिर्ची ऐड करते हैं। जो धुला हुआ हमारा 500 ग्राम कद्दू है जिसे हमने बारीक काट लिया था, अब उसको डालते हैं। चॉप्ड की हुई लाल मिर्च डालेंगे, ऊपर से हरी मिर्च डालते हैं, इसका अलग ही टेस्ट लगता है। ज़रा सी हल्दी डालते हैं, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी डालें। दो चम्मच धनिया डालते हैं, नमक मैंने इसमें काला नमक होता है उसको ऐड किया है, आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको 5 मिनट तक ऐसे खुले ही चलाएंगे। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी लगेगी आपको। फिर इसे ढक देते हैं और 10 मिनट में यह देखिए, अब 10 मिनट बाद जिस सब्जी को खोल कर देखते हैं तो देखिए अब ये अच्छे से गल गई है। तो इसमें हम 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड करते हैं। स्पून हमने छोटी वाली ली है, सबसे छोटी वाली स्पून होती है उससे, यदि आप घर वाली चम्मच लेंगे तो उससे हम 1 चम्मच डालते हैं। उसके बाद हरा धनिया जो चॉप्ड करके रखा हुआ था उस हरे धनिया को डालेंगे और 2 चम्मच अमचूर पाउडर को ऐड करते हैं। और इसे हम अच्छे से चलाते हैं। इसके गैस की फ्लेम को हमें तेजी रखना है और अब लास्ट में इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डालते हैं, जो हमने घर का मसाला बनाकर तैयार किया हुआ था वह मसाला डालते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भंडारे वाली जैसे लगने लगता है और सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।